या ये ही मीडिया बीते 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोली मारकर आरपीएफ के एसआई समेत 4 लोगों की हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। चारों की हत्या करने वाले आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी चेतन चौधरी को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर तैनात क्यों किया गया। बता दें कि आरोपी आरपीएफ का जवान चेतन चौधरी हाथरस जिले के कोतवाली चंदुबा क्षेत्र के गांव मेतई का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरपीएफ जवान चेतन चौधरी का इलाज चल रहा था। हालांकि मानसिक रूप से बीमार होने के बाद से चेतन के परिजनों ने इनकार किया है। परिजनों का कहना है कि वो घर पर बिल्कुल ठीक रहता था, कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे उसे मानसिक रूप से बीमार बताया जाए। अगर किसी तरह की टेंशन हुई होगी तो वो विभागीय टेंशन हो सकती है। अधिकारियों का यही कहना है कि कोई तनाव था जिसको लेकर अभी यहाँ हो सकता है सर्विस की वजह से कोई तनाव हो। कभी बताया, कभी चर्चा की? ताऊ जी वगैरह से बताता था, फोन पर आता था। मैं तो अभी रिटायर हो गया हूँ 2 साल पहले, तो मेरे पास तो इतना कम ही संबंध था उसका। चेतन चौधरी पर एक एसआई और 3 यात्रियों की हत्या करने का आरोप है। इस घटना से परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का सिर शर्म से झुक गया है। गांव और परिवार के लोग उसकी इस हरकत से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। बता दें कि ये घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में हुई थी, जिसमें सुबह 31 जुलाई को सुबह 5:23 आरपीएफ के जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई टीकाराम पर अचानक गोली चला दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। एएसआई को गोली मारने के बाद आरोपी कांस्टेबल ने 3 यात्रियों को भी गोली मार दी। 4 लोगों की ट्रेन में हत्या से अब ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल शुरुआती जांच में बताया गया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर तैनात क्यों किया गया। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। वहीं आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर फिलहाल पूछताछ का दौर जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्या की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।